भाई वन यकीन हो रहा है आपको, 1 मिलियन का घर और सिर्फ 2 बेडरूम। Canada's housing market isn't quite going into hibernation. From Vancouver to Toronto, realtors in most major markets say home sales are slowing. Canada could be sitting on the biggest housing bubble of all time. That's according to one strategist who's warning that once it bursts, Canada could be thrown into a deeper recession. What a sunny day, dosto, and the shine of Toronto. तो दोस्तों ये है अपार्टमेंट जहाँ पे हम ओपन हाउस करने वाले हैं, जिसकी मतलब कॉस्ट आप हैरान हो जाओगे, 1 बेडरूम 1 बाथरूम $7 लाख का, मतलब 700K कनेडियन में 1 बाथरूम 1 बेडरूम। इट्स लाइक सो एक्सपेंसिव। आपको क्या लगता है, मतलब बहुत ज्यादा है यहाँ पे, स्पेशली ये एरिया में तो बहुत ज्यादा प्राइसेस चल रहे हैं। ये तो 700 तो फिर भी कम बोल रहा हूँ, कुछ कुछ तो मिलियन में है, 800-900 मिलियन पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि पहले क्या होता था कि सैलरीज का सिर्फ 3 गुना होता था हाउसिंग, जो भी अगर किसी को घर खरीदना है उनकी सैलरी के, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले, पहले किसी की सैलरी अगर 80 की है तो 2.5 लाख में 1 बेडरूम 1 बाथरूम मिल जाता था। पर जो सैलरीज और हाउसिंग में जो डिफरेंस है वो 5 गुना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इस कारण लाइक अगर सैलरी किसी की 80-90 की है तो 6 लाख का वही घर, मतलब 6 टाइम बहुत डिफिकल्ट है। आपको लगता है उससे भी नीचे, आई थिंक वो भी उसको 6 लाख भी नहीं, अराउंड 500K से नीचे का ही उसको मिलेगा, उससे ऊपर जाएगा तो उसको शायद डाउन पेमेंट ज्यादा देनी पड़े, इस तरीके का पूरा काम। करेक्ट, हाँ। तो आपको लगता है कि इज इट, डज दैट मीन कि एक सक्सेसफुल इंसान के लिए घर खरीदना इज लाइक अ मस्ट, यू थिंक इन हियर और नो? एक तरीके से प्रॉफिट भी बना सकते हो ये घरों के ऊपर, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, लाइक अगर आप सेव करके लिए 4-5 साल में घर ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं अफोर्ड कर सकते, पर हाँ टाइम ज्यादा लगता, टाइम ज्यादा लग जाएगा, पहले कम टाइम में मिलता था। ओके, सो ये रहा घर, इट्स एन अमेजिंग व्यू गाइस। और ये घर है, ये साइड पे ये अटैच्ड है, ये क्या मतलब अनदर बेडरूम, तो पैटियो के साथ इन्होंने इधर वर्क स्टेशन सा बनाया हुआ है, स्टैंड वगैरह, वेरी नाइस यार। अच्छा है यार, लॉबी अच्छी है, स्पेशियस है, वॉशरूम फिर भी ठीक है, नॉट बैड, हाँ बढ़िया है। और ये हाँ रूम भी अच्छा है आई थिंक, पर ये ट्विन साइज बेड है, पर हाँ डबल बेड आ सकते हैं यहाँ पे, एंड 1.5 मिलियन में छोटा रूम। तो अभी हम ऊपर से नीचे आ गए गाइस, और यहाँ पे ये है लॉन्ड्री, मतलब शोर नहीं जाएगा, और उन्होंने एसी और हीटर के साथ लॉन्ड्री रखा है तो कहीं पे शोर नहीं जाएगा। द बेसमेंट इज अटैच्ड टू द पैटियो, तो पैटियो से अटैच्ड है ये। ओके, हाँ पर बहुत स्पेशियस है, कहने को 3 बेडरूम है पर मतलब बहुत स्पेशियस, जैसे नीचे भी कितनी जगह है, नीचे भी जगह है, बेडरूम सिर्फ 3 है पर ये लॉबी कितनी बड़ी है यार, लॉबी 2 है, ऊपर भी लॉबी नीचे भी, तो 1.5 मिलियन जस्टिफाइड है पर महंगा यार। मैंने अटलांटा में ऐसा मिल रहा है, यूएस में ज्यादा बेटर होगा। हाँ मैंने बहुत बड़े बड़े घर देखे इतने में, पर ये 1.5 कैनेडियन है, दैट इज 1.2 मिलियन USD। सो 1.2 मिलियन यूएसडी में कैसा आता है, ऐसा आता है, इससे बड़ा ही आता है, इससे बड़ा ही, इससे बहुत बड़े घर देखे मैंने अटलांटा में। दैट मींस मार्केट, हाउसिंग मार्केट खराब तो है इधर थोड़ी सी। I think sufficient space if it is cleared out, car can come inside easily, right? So price काफी ज़्यादा है, दोनों घर attached है, it's मैंने सोचा कि duplex है, पर duplex नहीं है, और वो कहते कि car यहाँ सीधे नहीं जाएंगे, they wouldn't take it because कहते कि like I would rather have someone get my car stolen than actually bring my car all the way down, क्योंकि कहते कि safe नहीं है, कि tight space है, garage के लिए इतनी जगह नहीं है, तो आपको car हमेशा बाहर रखनी है, कहते car यहाँ पे चोरियाँ होती है, फिर भी you have to take the risk. So what do you think about the house? कि मतलब आपके ख्याल से 1.5 million 3 bedroom के लिए ज़्यादा है कि कम है? ये तो थोड़ा ज्यादा था यार, इट वाज नॉट इवन डिटैच्ड भाई, अगर आपने देखा हो तो डिटैच भी नहीं था। हाँ मतलब गैराज नहीं है, गैराज देखा कैसा था, गैराज कहते गैराज, आई वुड रादर लेट माय कार स्टोलन, सुना आपने? बट कैनेडियंस बहुत वेलकमिंग है, बहुत प्यार से हमें वेलकम किया, हमें रिकॉर्ड भी करने दिया, हमने परमिशन भी ली, दैट्स वेरी नाइस यार।
वरना यूजुअली दे डोंट लेट यू रिकॉर्ड. हाँ अगर आप देखने जाओ. वही 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 बहुत प्यार से वेलकम किया. वो छोटे घर है मतलब, पर ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं. यहाँ पे सारे ऐसे ब्रो. हाँ प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1.5 मिलियन है, प्रॉब्लम ये है कि कोविड के टाइम पे ये 6 लाख के थे, 6-7 लाख के थे. सो द वे इट हैज स्काइरॉकेटेड, दैट इज रियली बिग प्रॉब्लम. तो सोचो जिन लोगों ने ले लिया होगा उनका कितना प्रॉफिट होगा. वही तो. वैसे ये एरिया काफी अच्छा है. हाँ क्वाइट एंड पीसफुल है, आप दिखा सकते हो. हाँ बहुत पीसफुल है. हाँ अभी मुझे जय ने बताया कि आप घर नहीं खरीद सकते इजीली क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं जब आप वीजा पे होते हैं. अभी नया रूल आया वर्क परमिट, वर्क परमिट पे. तो कितना फर्क होता है अगर आप अभी पीआर पे घर लोगे, राइट? कब कब प्लान है आपका, मतलब 2-3 साल बाद? 2 इयर्स के अंदर तो प्लान है. ओके नाइस. तो मतलब कितना फर्क होता है अगर एक कोई वीजा होल्डर वर्क परमिट होल्डर खरीदता है? अब वो डिपेंड करता है भाई, डिपेंडिंग ऑन द हाउस, डिपेंडिंग ऑन द जगह के ऊपर. मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड, एक रिलेटर के रियलेटर के साथ बनाई थी. सो वो आप लोगों को क्लियर बता देगा कि कितना फर्क रहता है. वो वीडियो में बोला भी है उसने. नाइस नाइस. एग्जैक्ट, बिकॉज मैं अगर इधर उधर वैल्यू बोलूंगा शायद लोग कंफ्यूज हो जाए. पर महंगा पड़ता है बहुत ज्यादा यार, तो इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे. बिकॉज एक तो आप पहली बात तो यहाँ के हो नहीं, आप वर्क परमिट पे हो नहीं, बाइंग द हाउस पहले तो कोई खरीदता भी नहीं है. वो खरीदते थे भाई लोग, पता क्या करते थे लोग, जब अमीर अमीर इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते थे कहते थे कि रेंट पे करने से अच्छा ना पूरा 1 करोड़ 1 करोड़ भेज दो घर आ जाता. अरे रेंट का छोड़, अभी मैंने सुना 6 लड़कियों ने मिलके घर लिया है. ओ ये एक अलग टॉपिक है. आई एम लाइक लुकिंग फॉर समवन कि जो मेरे को उनके तक पहुंचाया. लेट्स सी, 6 गर्ल्स ने मिलके, वो बोल रही थी रेंट बहुत ज्यादा तो घर ही ले लेते, एटलीस्ट आगे जाके फ्यूचर पे प्रॉफिट भी मिलेगा. वाओ यार लोग कमाल करते हैं, उसमें ही रहते हैं, कमाल करते हैं लोग. अभी 6 का मॉर्गेज भी डिवाइड हो जाएगा. वही तो वो सस्ता पड़ेगा. एंड दैट्स एन इक्विटी बिल्डिंग, स्मार्ट मूव था. भाई वन यकीन हो रहा है आपको, 1 मिलियन का घर और सिर्फ 2 बेडरूम. दिस इज लाइक डायरेक्ट आप बाहर ही जाते हुए वाला. और लोगों ने कपड़े सुखाए हैं इधर यार, ऐसा भी होता है इधर. ये देखो गाइस, कपड़े सूखते हुए दिख रहे हैं आपको. वैसे आज वेदर काफी अच्छा है. हाँ यार वीडियो बना ऐसे, मजा आ रही है. वही तो. पर हाँ घर पिछला घर थोड़ा ज्यादा लिट था, पर ये भी बहुत अच्छा लिट है. बेसमेंट में लाइटिंग है यार, थोड़ी बहुत है, बहुत कम है. हाँ बहुत कम है लाइटिंग. तो ये बाथरूम है, अब हम ऊपर आ गए. नहीं पहले मुझे झटका लग गया था. अच्छा बढ़िया रूम तो देखो भाई साहब, कितना छोटा सा है. लाइटिंग इसकी विंडोज छोटी हैं, पिछले घर की लाइटिंग बहुत अच्छी वही. और ये मास्टर बेडरूम है, पर इसके साथ अटैच बाथरूम नहीं है, तो वो बाथरूम है इधर. और हाँ इसकी लाइटिंग, दिस इज अमेजिंग. दिस इज अमेजिंग, या दिस इज सो वेल लिट. और सनसेट इज दैट वे, तो यहाँ पे दिन में सुबह लाइट बहुत अच्छी आएगी. सो इट्स अमेजिंग. ये अच्छा है मेरे कंपेयर टू मास्टर बेडरूम. अच्छा ये दो एक दो हाँ एक ही बेडरूम है भाई. अच्छा वो आधा है, वो आधा है, वो आधा है. अच्छा 2 बेडरूम है और 2 बाथरूम है. नीचे भी बाथरूम है, नीचे भी है, बेसमेंट वालों के लिए अलग. हाँ पर जो है वो अलग. अच्छा तो वो नीचे किराए पे दे सकते हैं, आपको लगता है आपका आपका घर नीचे वाले से बेटर है? ऐसा ही है, ऐसा ही है. पर विंडो बहुत छोटी है ना. बट नहीं हमारा तो स्पेस, आपका बेटर है, आपका बेटर है. ओके अलग अलग होते बेसमेंट. हाँ तो इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना है. हाँ पूछता हूँ. घर वो छोटा सा गैराज है जिसमें शायद गाड़ी भी फिट ना आए. ओ माय गॉड. अच्छा सीएन टावर इससे पास ही है? ओह नाइस, वो साइड पे था हम लोग आए वहां से. सो काफी अच्छी लोकेलिटी और वो व्यू कितना अच्छा, वहां से स्काईलाइन दिख रही है वो देखना. और यहाँ पे रेंटल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मतलब 2500 कैनेडियन पर मंथ रेंट आएगा पूरे घर का. तो मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव होने में आपको 6-7 साल लग जाएंगे. इट इज वेरी बैड. घर अच्छा लगा पिछला वाला, फर्स्ट वाला कितनी अच्छी लाइटिंग थी उसकी. लाइटिंग बहुत ज्यादा, लाइटिंग भी अच्छी थी, प्राइस भी वाइज एंड स्पेस वाइज भी था. बस खाली कार का थोड़ा. उस बंदी ने बोला 1 मिलियन 1 बेडरूम हाउस के लिए 15 लोगों ने रीच आउट कर चुके हैं. एंड शी सेड देयर इज अ गुड गुड कैश फ्लो पॉजिटिव इन फ्यूचर. मुझे नहीं लगता है. मुझे भी नहीं लगता. एंड शी वाज पुशिंग अस टू बाय. शी वाज लाइक कि ले लो, लाइक हमें बहुत लोग आ रहे हैं, कंपटीशन आ रहे हैं. बट आई कैन सी दिस हाउस इज एन ओपन हाउस ट्वाइस. 2 बार ओपन हाउस के लिए है. आई डोंट थिंक ये इजीली बिकने वाला है. दैट्स व्हाई अगर इतने लोगों ने रीच किया होता तो अभी तक होता ही नहीं यार.
सीधी बात है ना, मतलब ऐसा बोल रहे रीच आउट किया एंड देन इतने दिन लिस्टिंग चालू किया तुम्हारी, वही जब पता चल जाता है कि नीटनेस इंडेक्स से पता चल जाता है, मतलब जैसे बात करते हैं।